चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रेंडी सुन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, आज मैंने कुछ इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बैकग्राउंड के लिए की माइंड मत लीजिएगा, क्योंकि गाइस मेरी समय रिंग लाइट ख़राब हो गई और मैं बाहर बैठ के कहीं और वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर के सामने जगह नहीं है और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसी वजह से मैं कहीं और बैठ के आपके लिए मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है, कुछ भी पूछना हो, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैंने अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर सुप्रिया जी, उनके लिए मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है। वो मेरी इंस्टा की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। अगर आप लोगों को जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करने में क्या चला जाता है लाइक शेयर में, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो नथ पहन सकते हो, चाहे तो निकाल भी सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप नथ निकाल दोगे तो कुछ इस तरीके का लुक लगेगा। अगर आप इसे पहन लोगे तो ये ट्रेंड में है, आप पहन सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दिखोगे। तो बहुत ज़्यादा बातें कर ली, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ एनवाइबे का कंसीलर। इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और इसके बाद मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट जो है मेरा लैक्मे का, उसको अच्छे से लगा के मैं सेट कर लूँगी इस तरीके से। और फिर मैं ये वाला सेट पिक कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लाऊँगी हल्के हल्के से ब्लेंड करते हुए। फिर मैं यहाँ पर रेड वाला सेट पिक कर रही हूँ, सेम उसी तरीके से लगाना, इनर कॉर्नर पर ज़्यादा लगाना है, सॉरी आउटर कॉर्नर पर ज़्यादा लगाना है, इनर कॉर्नर पर कम, ठीक है, ब्लेंड करते हुए। फिर मैं यहाँ पर गोल्डन सेट लूँगी और फिंगर की हेल्प से अच्छे से लगा लूंगी, इनर कॉर्नर से ले जाके हाफ में ही लगाऊंगी, पूरे में नहीं ले जाऊंगी। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरीके से। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ लिक्विड लाइनर है जो ग्लिटर लाइनर है, इसी से मैं अच्छे से एक लाइन बना लूंगी, आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिया है जेल लाइनर जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसी से मैं काजल लगा रही हूँ हल्के हल्के से। फिर सेम जेल लाइनर से मैं अपना आई लाइनर लगाऊंगी हल्के हल्के से, विग लाइनर ड्रॉ करूंगी, आप देख सकते हो। और फिर सेम कलर जो मैंने अपने आई पे लगाया था ब्राउन और रेड, उसी को मैं सेम आंखों के नीचे लगाऊंगी। फिर मैं गोल्डन शेड हल्का सा पिक करूंगी, इनर कॉर्नर पे हल्का हल्का सा लगा लूंगी इस तरीके से। फिर मैं यही सेम जेल लाइनर लूंगी और इसी से मैं अपनी आईब्रो को फिल करूंगी। पहले एक लाइन बना लूंगी हल्की हल्की सी और फिर हल्के हल्के से अपने बालों में सेट करूंगी हल्का हल्का सा। नीचे आप धंसा कर लगाओगे तो आपकी आईब्रो अच्छी नहीं लगेगी। और फिर अच्छे से एक सेट कर लूँगी एक ब्रोकॉम की हेल्प से। और फिर सेम कंसीलर मैंने लिया है, कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ और हल्के हल्के से फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। फिर मैं ले रही हूँ वीएलसी का सीरम जो बहुत ही अच्छा है, इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। फिर मैं यहाँ पे ली हूँ फोटो फोकस प्राइमर और इसको मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। सेम मैं ले रही हूँ फाउंडेशन जो मैंने इससे पहले एक बार और लगाया था, विल्टन वाइट का, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज देता है और इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती लगाने में। इसमें स्पंज होता है, उसी की हेल्प से आप अच्छे से हल्के हल्के से लगा लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर कॉन्टोर करूँगी थोड़ा सा, मैंने लिया कॉन्टोर एनवाईबे का, पूरे फेस पे कॉन्टोर करूँगी। जब आप फुल कवरेज फाउंडेशन लगाते हो जब भी आपको इस तरीके से कॉन्टोर करना ज़रूरी होता है ताकि आपका फेस ज़्यादा भरा ना दिखे। और फिर मैं फिंगर की हेल्प से नोज़ पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, चिक पर मैं ब्लेंड करूँगी एक छोटू से ब्रश से। और फिर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, कंसीलर लिया सेम मैंने एनवाईबे का, और जहाँ जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ सेम वहीं वहीं पे आपको भी करना है। और इसको एक ब्रश की हेल्प से, छोटे ब्रश की हेल्प से इसको भी सेम ब्लेंड कर देना अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है जहाँ जहाँ पे कंसीलर आपने लगाया। फिर मैं इसी को सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट की हेल्प से, अपने पूरे फेस को, कंसीलर को, जो मैंने फाउंडेशन लगाया था सभी को अच्छे से सेट कर लूँगी। फिर मैं यहाँ ली हूँ सीज ब्यूटी का पैलेट, इसमें से मैंने पिंक वाला सेट पिक किया है ब्लशर के लिए, दोनों ही चिक पर अच्छे से आपको लगा लेना है। फिर मैंने हाइलाइटर सेट पिक किया है, थोड़ा सा नोज़ पे, थोड़ा सा आईब्रो के नीचे, थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे, थोड़ा सा चिक पर अच्छे से ही लगा लेना है। फिर मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ की लिप लाइनर ली हूँ जो मैंने लोकल मार्केट से लिया था, और इसके बाद मैं लगा रही हूँ एनवाईबी की लिपस्टिक। फिर मैं लगाऊँगी लिक्विड लिपस्टिक जो रहेगी मेरी हुडा ब्यूटी की, तो ये रही मेरी हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक। इसको अच्छे से मैं लगा के ब्लेंड कर सॉरी इसको अच्छे से ही लगा ले रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से लगा रही हूँ इस तरीके से हल्के हल्के से। और इसके बाद मैं एक बिंदी लगा ले रही हूँ छोटी सी, अगर आपको लगाना है तो बिंदी लगा लीजिए वरना कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने सेट पहन लिया है और इयर रिंग्स पहन ले रही हूँ। और चलिए अब हम सिंदूर भी अपना लगा लेते हैं जो
ज़रूरी होता है मेकअप लुक में। अगर आप शादीशुदा हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सिंदूर। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं। तो मिल नहीं रहा था मेरा, तो मैं उसी को ढूंढ रही हूँ कि मैंने सिंदूर कहाँ रख दिया है। तो मैंने अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लूँगी, सीधी मांग निकाल लूँगी जैसा कि सभी निकालते हैं, और फिर मैं लिक्विड सिंदूर ही ज़्यादा लगाती हूँ तो उसी को मैं लगाऊँगी। फटाफट से सिंदूर लगा लेंगे और फिर हम बना लेंगे जूड़ा। आप चाहो तो अपना लुक इस तरीके से भी रख सकते हो, हेयर को ओपन करके सिंदूर लगा के बस। तो यहाँ पे मैं जूड़ा बना ली हूँ, टीका लगा ली हूँ, और हल्का सा मैंने थोड़ा सा बाल आगे से निकाल लिया है, और चूड़ा मैंने पहना हुआ है। ये प्लास्टिक का चूड़ा है, कांच की चूड़ियाँ नहीं है। और ये वाली जो नथ है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए मैंने डाल ली। अगर आप चाहो तो पहन भी सकते हो, नहीं भी पहन सकते हो। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। काफ़ी मेहनत करते हैं हम एक वीडियो बनाने की, एक लुक क्रिएट करने के लिए। तो कैसा लगा ये भी बताइएगा। कुछ भी अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं माइंड नहीं लूँगी। ठीक है, मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के।